हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और उसके बाजू में रहे घंटी को दबाना मत भूलना। एक रौनकपुर नाम का गांव था। गांव के बीचों बीच एक सुंदर सा सोने का जादुई पेड़ था। वह पेड़ सोने का था और फल तो हीरे मोती से भरे हुए रहते थे। वह पेड़ पूरे गांव वालों की मदद करता था। गांव में एक गोलू नाम का लड़का था। वह हमेशा जादुई पेड़ के पास रहता और उससे बातें करता। एक बार एक गरीब किसान उस पेड़ से कुछ मांगने आया। हे जादुई पेड़, मुझे खेती में खाद डालने के लिए कुछ पैसे चाहिए। मेरे पास रहे सारे पैसे खत्म हो गए। ये लो किसान जी, और आप अपने खेती के लिए अच्छा सा खाद खरीद लो और जरूरत पड़े तो फिर से आ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेड़, बहुत बहुत धन्यवाद। हे सुनहरे पेड़, तुम हर किसी की मदद करते हो, भले कोई भी आपकी मदद न करे। हाँ बोलो, शायद भगवान ने मुझे लोगों की मदद करने के लिए ही बनाया हो। तो क्या हुआ सुनहरे पेड़, मैं तुम्हारा ख्याल जरूर रखूंगा। एक दिन की बात है, एक दुष्ट जादूगर रौनकपुर गांव पहुंच गया। मैंने सुना है इस गांव में कोई जादुई पेड़ है, अगर सही निकला तो मैं उस पेड़ की सारी दिव्य शक्तियां खींच लूंगा और खुद ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। लगता है यही वो जादुई पेड़ है, देख के तो नहीं लगता है, कहीं गांव वाले एक मामूली से पेड़ पे कलर मार के उसे जादुई पेड़ तो नहीं बोल रहे हैं, जरा देखूं तो। हे जादुई पेड़, मैं बहुत दूर से सफर करके आया हूँ, मुझे आगे सफर करना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, क्या तुम मुझे कुछ पैसों की मदद कर सकते हो? हाँ मुसाफिर जी, ये लो पैसे और आप अपना सफर जारी रखो। अरे वाह, ये तो सच में कमाल का जादुई पेड़ है, अब तो इसकी सारी दिव्य शक्तियां मैं खींच लूंगा और खुद ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। यही मौका है, चलो जल्दी। ओए कहाँ जा रहे हो? तू मुझे रोकेगा? ये ले। अरे वाह, आज मैं तेरे अंदर का सारी दिव्य शक्तियां खींच लूंगा और मैं ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब तुम्हारा समय पूरा हो गया जादुई पेड़, तुमने बहुत सेवा कर ली। जादूगर अपने जादुई शक्ति से पेड़ का दिव्य शक्ति खींच लेता है और वहां से भाग जाता है। दूसरे दिन उस जादुई पेड़ को मरा हुआ देख पूरे गांव में मानो हड़कंप मच गया हो। अरे ये क्या हो गया, ये जादुई पेड़ मर कैसे गया? सभी गांव वाले घर चले गए होते हैं, लेकिन भोलू वही नाराज होकर बैठा होता है। तभी अचानक वन देवता प्रकट हो जाते हैं। आप सबके गांव में
इतने लोगों के होने के बावजूद भी इस जादुई पेड़ से इसकी दिव्य शक्ति एक जादूगर लेकर चला गया। इस जादुई पेड़ से इसकी शक्ति खींची गई है। हाँ, कल रात को एक जादूगर आप सबके गांव में आया और इस जादुई पेड़ से इसकी दिव्य शक्ति खींचकर ले गया। अगर आप इसको जीवित करना है तो यह इतना आसान नहीं है जितना आसान सामान्य वृक्षों को जीवित करने में होता है। प्रभु, आप जादुई पेड़ को जीवित करने का उपाय बताइए, मैं उसे अभी के अभी पूरा करूंगा। इसके लिए तुम्हें गांव के पश्चिम की ओर जाना होगा। वहां एक डरावना गुफा होगा। उस गुफा में एक दिव्य जड़ी बूटी का पौधा होगा। तुम्हें उस पौधे के एक डाल लाना होगा। लेकिन उस गुफा में भूत प्रेत का वास होता है। तुम्हें ध्यान से जाना होगा। उस डाल को ला करके तुम्हें जल के साथ मिलाकर इस जादुई पेड़ पर छिड़कना होगा। उसके बाद यह जादुई पेड़ जीवित हो सकेगा। मैं अभी जाता हूँ। भोलू तुरंत पश्चिम की ओर रवाना हो जाता है। शायद यह वो गुफा हो जिसके बारे में वन देवता कह रहे थे। चलो फिर चलकर देखता हूँ। भोलू उस गुफा के अंदर चला जाता है। जैसे ही भोलू उस पौधे के पास पहुँचता है कि तुरंत एक आवाज आती है। मैं यहीं छुप जाता हूँ। जैसे वो चला जाएगा तब मैं तुरंत एक डाल तोड़कर यहाँ से निकल लूंगा। जैसे ही भूत वहां से चला जाता है, भोलू तुरंत उस दिव्य पौधे के एक डाल तोड़ता है और तुरंत वहां से निकल पड़ता है। बस जादुई पेड़, बस और कुछ समय रुको, मैं तुम्हें तुरंत जीवित करता हूँ। भोलू उस दिव्य पौधे के डाल को लेकर प्याले के जल में डालता है और तुरंत उस जादुई पेड़ पर छिड़क देता है। अरे वाह, जादुई पेड़ जीवित हो गया। अरे वाह, सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं और उस जादुई पेड़ की सुरक्षा ज्यादा करने लगते हैं। अरे भोलू, कहाँ जा रहे हो? मैं तो फूल लेने जा रहा हूँ। लेकिन भोलू, फूल तो यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। सारे फूल केवल नदी के किनारे हैं और नदी भी घने जंगलों के बाद दिखता है। तो तुम वहाँ फूल लेने जाओगे? हाँ, मैं तो वहीं से फूल लेने जा रहा हूँ। अरे भोलू, रास्ते में खूब घने जंगल पड़ते हैं, तुम अकेले मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, तुम मेरे साथ मत चलो, मैं अकेला ही चले जाऊंगा, तुम मेरे साथ मत आओ। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, चलो फिर। गोलू, देखो जंगल कितना घना और डरावना लग रहा है ना? बोलू, यह जंगल डरावना ही नहीं बल्कि यहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं। ध्यान से चलना। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं किसी भी जानवर से नहीं डरता क्योंकि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। जानवर मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? अरे भोलू, वो देखो, एक सोने का सिक्का पड़ा है। मुझे ये सिक्का नहीं, किसी की चाल लगती है। बोलू, सिक्का लेने मत जाना। अरे भोलू, एक सोने के सिक्के में किसकी चाल हो सकती है? मैं तो जा रहा हूँ लेने। अरे भोलू, देख मत, मुझे निकाल, नहीं तो ये सांप मुझे काट लेगा, जल्दी। हाँ हाँ गोलू, रुको, मैं जल्दी से रस्सी लेकर आ रहा हूँ।
बोलू जल्दी से इस रस्सी को पकड़कर ऊपर आ। मैंने तुम्हें कहा था कि सोने के सिक्के को मत लेने जाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अरे भोलू, मुझे नहीं पता था कि नीचे खाई है, वरना मैं तो वहाँ जाता भी नहीं। चलो फिर अब हम आगे चलें, अभी और दूर तक हमें जाना पड़ेगा। लो, हम नदी के किनारे पहुंच गए। भोलू, तुम फूल तोड़ते रहना, मैं जंगल में घूमकर आता हूँ। ठीक है। अरे गोलू, कहाँ गया यार? गोलू, लगता है वापस चला गया। अब मैं भी जल्दी यहाँ से निकलता हूँ। अरे, ये आवाज तो लोमड़ी का है। लगता है यहीं कहीं लोमड़ी है। हे भगवान, लोमड़ी आना आए भगवान, वरना वो मुझे खा जाएगा। हे भगवान, लोमड़ी आना आए भगवान। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, मुझे लोमड़ी खा जाएगा। कोई बचाओ, कोई है? बोलू तू इधर आ जा, मैं इसे सबक सिखाता हूँ। अरे गोलू, कहाँ चले गया था यार मुझे छोड़कर? अरे बोलू, मैं तो डंडा लेने गया था, क्योंकि इस लोमड़ी को मैंने पहले ही देख लिया था, जरूर यह हमसे भिड़ेगा, इसलिए मैं पहले से इसकी तैयारी कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त गोलू। नहीं दोस्त, आखिर हम एक दूसरे के सच्चे दोस्त किस लिए हैं? चलो अब हम घर चलते हैं। सच्चे दोस्त हमेशा अपने दोस्त की मदद करते हैं, ना कि उन्हें मुसीबत में छोड़ कर जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने सच्चे दोस्त की मदद करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बाजू में रहे घंटे को दबाना मत भूलिएगा।